हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी इन शॉर्ट। और हम यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है करंट अफेयर्स क्विज। यहाँ पे हम चार क्विज डालेंगे हर महीने के हिसाब से, और आज हम डाल रहे हैं अगस्त मंथ के पहले वीक के क्विज। तो आप ध्यान से देखिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में आजकल 10 से 12 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं करंट अफेयर्स के ऊपर। आने वाले एसएससी, रेलवे, मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम, व्यापम के एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे करंट अफेयर्स। तो पूरा फोकस करके आप इन्हें देखिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपनी तीसरी बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू 2018-19 की में रेपो रेट कितनी बढ़ा दी है। इसका आंसर है दोस्तों 6.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये तय किया है कि वे भारत को STA-1 ट्रेडिंग स्टेटस देगा, जो कि वो अमेरिका की सहायक देशों को देता है मिलिट्री वेपन्स खरीदने के लिए। तो ये STA का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? STA का फुल फॉर्म है यहाँ पे स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन। किस बैंक को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम में सबसे अच्छा प्राथमिक ऋण देने वाला संस्थान घोषित किया गया है या उसका अवार्ड दिया गया है? तो इसका आंसर है HDFC। यूनियन IT मिनिस्ट्री ने ऐसा कौन सा फ्री सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जो कि कन्वर्ट करेगा स्कैंड प्रिंटेड इंडियन लैंग्वेज डॉक्यूमेंट्स को फुली एडिटेबल टेक्स्ट फॉर्मेट में, यानी स्कैन किए हुए भारतीय लैंग्वेज के डॉक्यूमेंट्स को वो एडिटेबल, यानी हम उसे एडिट कर सकते हैं, ऐसे टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका आंसर है E-अक्षरायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने वर्ल्ड की पहली 5G डील ली है जो कि $3.5 बिलियन की है? तो इसका आंसर है D-नोकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सी कंपनी TCS को पछाड़ के इंडिया की मोस्ट वैल्यूड कंपनी बन गई है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन सी स्टेट है जिसके पास NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, आसाम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंडिया ने यूनाइटेड नेशन ई गवर्नमेंट इंडेक्स में कौन सा स्थान अर्जित किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है A-96। जिस कंट्री ने इस लिस्ट में टॉप किया है वो है डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन अवार्ड 2017 दिया है? इसका आंसर है D, भर्तृहारी मेहताब। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी को टॉप ऑनर दिया गया है स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स में स्वच्छता के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने के लिए? तो इसका आंसर है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये हमारे भारत की एक महारत्न कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसे गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक के तौर पर एयर इंडिया का निदेशक अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है D. कुमार मंगलम बिरला। अगला सवाल, गोल्डन ब्रिज जो कि सपोर्ट की गई है हैंड के आकार के कॉन्क्रीट से, वो अभी कहाँ पे हाल ही में शुरुआत हुई है उसकी? तो इसका आंसर है सी, वियतनाम। अगला सवाल, पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल जो कि 3 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक ऑर्गेनाइज होने वाला है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा? तो इसका उत्तर है A. दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जज बना के प्रमोट किया गया है? तो इसका आंसर है D. K.M. जोसेफ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, किस कंपनी ने अभी इतिहास रचते हुए पहली US कंपनी बन गई है जिसकी $1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू हो गई है, $1 ट्रिलियन? तो इसका आंसर है A. एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता है जिम्बाब्वे में? इसका आंसर है A. एमरसन मनानगगवा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, किस राज्य ने योगा ज़रूरी कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए? तो इसका आंसर है C. कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संशोधन बिल ये प्रोवाइड करता है कि एक नेशनल कमीशन बनाया जाए OBC के लिए या अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए? तो इसका आंसर है B. 123rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक लोन में दिया जा रहा है, एक अनसिक्योर्ड लोन,
जो कि 25,000 करोड़ का है, तो वो कौन सा बैंक उन्हें दे रहा है? अनसिक्योर्ड लोन के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये क्या होता है। तो इसका आंसर है बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौन ऐसा दूसरा भारतीय क्रिकेटर बन गया है जिसने 100 लगाई है वुमेन्स T20 क्रिकेट में? कौन सी ऐसी क्रिकेटर बन गई हैं? तो इसका आंसर है सी, स्मृति मंधाना, बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन से देश ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है और वर्ल्ड की दूसरे सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया है? तो इसका आंसर है डी, जापान। अभी हाल ही में इंडिया ने लिस्ट जारी करी है 28 भगोड़े जो कि आर्थिक अपराधी हैं, तो इसमें किसको सेकंड स्पॉट दिया गया है लिस्ट में? तो इसका आंसर है डी, मेहुल चौकसी, और फर्स्ट पे इसको स्थान दिया गया है वो है विजय माल्या। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसको सचिव बनाया गया है, सेक्रेटरी बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर? तो इसका उत्तर है सी, विजय ठाकुर सिंह। ये ईस्ट जो हमारा सेक्रेटरीट है वहाँ के, इनको सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड का पहला हिंदी स्पीकिंग रोबोट, उसका नाम क्या है? तो उसका आंसर है ए, रश्मि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अभी अभी स्वच्छ मेव जयते का एक ग्रामीण स्वच्छता का और सैनिटेशन का अभियान चलाया है? तो इसका आंसर है सी, कर्नाटका। कौन सा पुरुष क्रिकेटर फोर्थ यंगेस्ट डेब्यूटेंट यानी चौथा सबसे यंग डेब्यू करने वाला खिलाड़ी बन गया है मेंस ओडीआई क्रिकेट में अभी हाल ही में? तो इसका आंसर है डी, रोहित कुमार पौडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने इंडोनेशियनों ने परफॉर्म किया है पोको पोको डांस एशियन गेम्स को प्रमोट करने के लिए 2018 में, जो कि अभी जकार्ता में हो रहे हैं, और इससे उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है? तो इसका आंसर है बी, 65,000 पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी भारतीय महिला जो टॉप 200 टेनिस रैंकिंग में एकल प्रतियोगिता में जगह बनाने वाली छठी भारतीय बन गई हैं, उनका नाम है ए, करमान कौर थांडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडोनेशिया के रिजॉर्ट आइलैंड लॉम्बोक और बाली पे अभी हाल ही में एक बहुत ही पावरफुल अर्थक्वेक यानी भूचाल आया था, उसका मैग्नीट्यूड कितना था? तो इसका आंसर है सी, 7.0। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महिला खिलाड़ी ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है? तो इसका आंसर है बी, कैरोलिना मरीन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखे अगस्त मंथ के पहले वीक के सारे करंट अफेयर्स, और आने वाले वीडियो सीरीज़ में हम अगस्त मंथ के और करंट अफेयर्स कवर करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।